किसान भाइयों, राम राम। जय किसान चैनल पर आपका स्वागत है। किसान भाइयों, ये हमारा सोयाबीन का प्लाट है। ये हमने 17/6/2002 में इसकी बोनी की थी। 2020 में 17/6/2020 में इसकी बोनी की थी। तो इसके पहले हमने इसमें 3 बोरी सिंगर सुपर फास्फेट, 20 किलो पोटास और 5 किलो जिंक, 5 किलो सल्फर और इसमें हमने मैनकोजेब कार्बंडाजिन से बीज उपचार करके 2004 सोयाबीन की बोनी 18 इंच की दूरी पर की। ये बहुत बढ़िया प्लाट है। लगभग 15 से 17 दिन की फसल हो चुकी है। इसमें हमने हस्तचलित यंत्र से इसका नीना नियंत्रण करवाया है। तो इसमें 18 इंच पर बोनी करने का फायदा ये है, बहुत कम समय में, बहुत कम लागत में हमारा नीना नियंत्रण हो जाता है। और रासायनिक दवाएं हैं, रासायनिक जो नीना नाशक दवाएं हैं, उनका खर्च हमारा बच जाता है। किसान भाइयों, ये दूरी पर लगाने से कीट व्याधि भी कम होती है, लगती है, लेकिन ये मौसम, टेम्परेचर और वर्षा ना होने के कारण हमारे सोयाबीन की फसल में सफ़ेद मक्खी, काली मक्खी और कहीं कहीं इल्ली का प्रकोप देखने में मिल रहा है। आज हम अपने प्लाट का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं, जिसमें देखने को आया है, आओ जरा दूसरे प्लाट को देखें, जिसमें देखने को आया है कि इसमें बारीक बारीक इल्लियाँ, सफ़ेद मच्छर, काली मक्खी और सफ़ेद छोटी प्रकार की मकड़ी दिख रही है। कहीं कहीं इसमें फंगस भी लग रही है, फंगस के कारण पौधा सूख रहे हैं। अब ये देखो, ये हमारा सोयाबीन का दूसरा प्लाट है। देखने में इतना सुंदर लग रहा है कि देखते ही हमारे चेहरे खिल उठते हैं। एक कहावत है, एक हमने कक्षा 5वीं में पढ़ी थी, माँ के अपने माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लेला आते खेत देख कर जो आनंद आता है, वही बाबा भारती को अपने घोड़े को देख कर आता था। तो इसमें हमने ये लगाया है कि माँ को अपने बेटे और किसान, बाबा भारती को अपने घोड़े को देख कर जो आनंद आता था, वही आनंद किसान को अपने खेत देख कर आ रहा है। तो मित्रों, इसमें कहीं कहीं पत्ती काट रहा है कीड़ा, ये इल्ली का प्रकोप है। कहीं कहीं पत्ती पीली पीली पड़ रही हैं, तो इसमें ये जो इसके पत्ते के रस चूसा कीट हैं, उनका प्रकोप है। तो किसान मित्रों, इसके लिए हम कीटनाशक दवा का प्रयोग करेंगे। उसके लिए अपन सबसे सस्ती जो दवा है वो ट्रिप्टोफैन प्लस साइपरमेथिन, इसका उपयोग करेंगे। ज़्यादा महंगी दवाओं का उपयोग नहीं करना। यदि बारिश का मौसम है, 1-2-4 घंटे में बारिश होने की संभावना है, तो 35 ml सिलिकॉन चिपको उसमें मिला देंगे। प्रति एकड़ 160 लीटर पानी 300 से 400 ml प्रोपेनोफास प्लस साइपरमेथन का हम इसमें छिड़काव करेंगे। आगे का वीडियो हम डालेंगे, जब हमारी मशीन इसमें छिड़काव करेगी तो हम इसमें आपको आगे का वीडियो डालेंगे। जय हिंद, जय भारत।